Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now, coming to the one of the important topic, that is photoperiodism. Photo and periodism. Photo means light and periodism is related to period. कितना लाइट का पीरियड एक प्लांट को मिलता है जिससे वो फ्लावरिंग इंड्यूस कर सकता है या नहीं करता, उसे बोलते हैं फोटोपीरियडिज्म। कुछ प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट कैरेक्टराइज किया गया है तीन पार्ट्स में या तीन टाइप्स में। कौन कौन से? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, नाम से पता लग रहा है उन्हें एक्सपोजर ऑफ लाइट ज्यादा चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स को एक्सपोजर कम चाहिए, और डे न्यूट्रल प्लांट का कोई कोरिलेशन नहीं है बिटवीन एक्सपोजर ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। अब जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, इन्हें ज्यादा लाइट पीरियड चाहिए, शॉर्ट डे प्लांट्स को कम लाइट पीरियड चाहिए। मान लो ये है 1 to 5 hours, दिस इज 6 hours, 7 and 10 hours। अब हम अगर ये कहेंगे दैट लॉन्ग डे प्लांट्स को 6 hours से ज्यादा लाइट मिलनी चाहिए, और कोई एक शॉर्ट डे प्लांट है जिसे 5 से कम लाइट पीरियड की एक्सपोजर चाहिए, तो ये जो 6 है फॉर लॉन्ग डे प्लांट एंड 5 है फॉर शॉर्ट डे प्लांट, इन्हें क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पीरियड या फिर क्रिटिकल ड्यूरेशन, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि इससे ज्यादा टाइम पीरियड चाहिए या इससे कम चाहिए, उसे कहेंगे क्रिटिकल ड्यूरेशन। अब हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड। जितना लाइट का एक्सपोजर इज इम्पॉर्टेंट, उतना ही डार्क पीरियड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग। अब फ्लावरिंग हो रही है इन सर्टेन प्लांट डिपेंड करता है ऑन द रिलेटिव ड्यूरेशन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड। ये जो रिस्पॉन्स है ऑफ प्लांट्स टू द पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट, इसे बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। कहां होता है, कहां पे रिसीव करता है प्लांट लाइट को? वी ऑल नो फोटोसिंथेसिस कहां होती है? लीव्स में होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी होता है? सनलाइट जरूरी होती है, लाइट जरूरी होती है। तो कहां पे होगी, साइट क्या होगी फोटोपीरियडिज्म की? कहां परसीव करती है लाइट? लाइट परसीव करती है लीव्स। हार्मोनल सब्सटेंसेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंड्यूस फ्लावरिंग। जो हार्मोनल सब्सटेंसेस हैं, वो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिसेस ताकि वो इंड्यूस कर सके फ्लावरिंग। When plants are exposed to necessary inductive photoperiod, necessary inductive photoperiod means उनको critical duration से ज्यादा या कम मिलना चाहिए उनकी flowering के लिए। हम अगर देखें long day plant, picture में देख सकते हैं, अगर critical duration से ज्यादा time मिला है, light का exposure ज्यादा मिला है, तो flowering होगी। अगर critical duration से कम light मिली है, तब फ्लावरिंग नहीं होगी इन केस ऑफ लॉन्ग डे प्लांट। हम शॉर्ट डे प्लांट की अगर बात करें, क्रिटिकल फोटो पीरियड से अगर कम लाइट ड्यूरेशन मिली है, तब क्या होगा? फ्लावरिंग होगी। अगर ज्यादा लाइट पीरियड मिलेगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ज्यादा लाइट पीरियड मिलेगा या फिर कम डार्क पीरियड मिला तो भी नहीं होगी। वैसे ही डे न्यूट्रल प्लांट है, फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी, इनका कोई कोरिलेशन नहीं है इन्हें एक्सपोजर कितना मिल रहा है लाइट या डार्क पीरियड का, बट इनकी वेजिटेटिव मैच्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट। सो ये था लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट, जो डिपेंड करता है क्रिटिकल फोटो पीरियड पे। लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड या एक्सपोजर टू लाइट ज्यादा होना चाहिए, शॉर्ट डे के लिए कम होना चाहिए, एंड डे न्यूट्रल प्लांट का कोई कोरिलेशन नहीं होता
between light ka exposure and flowering. So this was about photoperiodism, jo hai light ke exposure pe depend karta hai ki plant ki flowering hogi induce ya nahi hogi. So this was all about photoperiodism.